नमस्कार, आप देख रहे हैं समर्थ सहारा, मैं आपके साथ दिव्या। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। मामला शिवपुर जिले की पंचायत ढोडर के हासिलपुर गांव का है, जहां किसानों की भूमि ब्रॉडगेज रेल लाइन के लिए अधिग्रहण की जा रही भूमि के सर्वे में हल्का पटवारी और तहसीलदार की मिली भगत से किसान की वास्तविक भूमि का रकबा कम कर दिया गया है। इससे किसान को मुआवजा मिलने में काफी नुकसान हो रहा है। जमीन 228/1 नंबर को खसरा खतौनी से काट कर हटा दिया है और पटवारी ने उसकी जगह दूसरा नंबर बनाया है। उसमें 0.046 बीघा भूमि दिखाई जा रही है, जो कि अलग ही नंबर बनाया गया है। पुराने रिकॉर्ड में नंबर सही आ रहा है। किसान ने बताया कि 228/1 और मुझे 0.046 का मुआवजा दिया गया है, जिससे मुझे काफ़ी नुकसान हो रहा है। यह आरोप किसान के द्वारा नायब तहसीलदार और पटवारी के ऊपर लगाया गया है। किसान ने आरोप पटवारी पर लगाया है कि मुझे पटवारी के द्वारा बार बार धमकी दी जा रही है कि तुम यदि शिकायत करोगे तो मैं तुम्हारा पट्टा निरस्त करवा दूंगा। किसान ने बताया कि मामला सीएम हेल्पलाइन और कलेक्टर के सामने रखा गया है, लेकिन अभी तक मुझे न्याय नहीं मिला है। और ग्रामीणों का कहना है कि किसान की वास्तविक भूमि को घटाकर कम कर दिया गया है। हमारी मांग है कि किसानों को लाभ मिले। नमस्कार, मैं पवन सिंह राजावत, जिलाध्यक्ष सिंधिया टीम शोपुर। यहाँ पर राजकुमार माली जी की जमीन है, जिसका मैंने खुद जायजा लिया है यहाँ पर आकर, और मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ। और मैं प्रशासन से सिर्फ यही मांग करूंगा कि इस पूरे मामले की जांच हो और पीड़ित को मुआवजा मिले। धन्यवाद। शासन की ओर से ऐसा किया गया है क्या कि इनकी जमीन कम कर दी गई है? जी हाँ, बिल्कुल, आप साफ देख सकते हैं उसको। अच्छा, हाँ। इनका आरोप है कि तहसीलदार और पटवारी की मिली भगत से ऐसा हुआ। ये मिली भगत से ही होता है, नहीं तो किसी भी पटवारी की इतनी वो नहीं होती है कि वो आके अपने आप कर दे जमीनों को कम। क्या समस्या है आपकी? मेरी समस्या ये है कि सर, जो मेरी भूमि रेलवे में चली गई और अवार्ड में 400 दर्शाई है, और 2 बीघा भूमि मेरी गायब कर दी है पटवारी और तहसीलदार की मिली भगत से। ऐसा क्यों किया उन्होंने? ये पैसे के लालच में आकर किया जा रहा है उन्होंने, और मुझे धमकियां भी दी जा रही है। आपके अगर शिकायत की तो आपके पट्टे अट्टे को निरस्त करवा दूंगा, पटवारी द्वारा कहा जा रहा है मेरे से। अच्छा, हाँ जी। और ये तहसीलदार और पटवारी की मिली भगत से? हाँ, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और पटवारी मिली भगत से ही कार्य किया जा रहा है। अभी तक हमारी कोई शिकायत का कोई सुनवाई नहीं हुई है। और आपकी 2 बीघा जमीन गायब कर चुकी है और हमारी 400 भूमि रिकॉर्ड में दर्शाई जा रही है। क्या समस्या है आपकी? जो रेलवे में हमारी भूमि जा रही है, वो समस्या है सर हमारी। क्या इसमें जो अवार्ड बनाया ना, उसमें हमारी भूमि 400 रखी गई है। हमें सूचना पत्र में तो पूरा दर्शाया 2.5 बीघा भूमि, तो जिसके बाद पटवारी से पूछा, उसने बोला आपकी यही भूमि जाएगी, परंतु मेरी मौके से भूमि कट चुकी है, रिकॉर्ड से भी कट चुकी है, परंतु ये पटवारी की लापरवाही बताई जा रही है हमें। इसमें बताया जा रहा है कि जांच भी तहसीलदार के द्वारा कर दी गई। हाँ, मौके पे जांच भी हो गई, RI द्वारा बताया गया कि आपकी भूमि 2.5 बीघा जा रही है, ये सही बताया गया हमें। जिसके बाद हमें आवेदन दिए, हमारा अवार्ड में भी नाम सही भूमि नहीं जोड़ी गई, जिसके बाद हमने आवेदन दिए, फिर भी तहसीलदार, नायब तहसीलदार यही बताती है कि आपकी भूमि यही जा रही है। अभी तक भी कुछ नहीं हुआ उसका मामला। पटवारी आकर और धमकी देता है कि तेरे लड़के को मतलब मेरे ऊपर कार्रवाई कर रहा है, तेरे को लड़के को मतलब मैं पट्टे को खर्च कर दूंगा और तुम को मतलब हमारी जमीन को मतलब सरकारी जमीन को तुम मतलब जोत रहे हैं। अच्छा, धमकी दे रहे हैं आप? धमकी दे रहे हैं। सीएम हेल्पलाइन को हटवाने की बात कर रहे हैं? हाँ। कि सीएम हेल्पलाइन नहीं हटाई तो आपकी जमीन को खारिज कर दिया जाए। खारिज कर देंगे।